Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. और आज मैं 10 MCQ practice करवाऊंगी जो होगा 2021 के जो questions थे उसके second shift के जो questions हैं उसके बारे में मैं आज discuss करूंगी. Okay. Start करते हैं आज के lecture को. So, हमारा पहला क्वेश्चन है एक मैचिंग दिया गया है, एक मूवमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ है ईयर. सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करेंगे कि इससे समझ पाएंगे कौन से एरिया में हमें फोकस करना चाहिए. सो हमें मूवमेंट मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस के जो पार्ट्स है उसके बारे में जानना चाहिए. जैसे कि लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था इसके बारे में जानना होगा. सो लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तरफ है, उसका ईयर कितना होगा, उसका ईयर है 1949. स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था 1972 में, चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में एंड रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में. सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा क्योंकि 3241 इस सीरीज में है. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट. कौन पहले एस्टैब्लिश हुआ है इसके हिसाब से आपको सजाना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट कौन सा है, ऑप्शंस देख लेते हैं. 14th फाइनेंशियल कमीशन, उसके बाद है यूपीएससी, उसके बाद है सीबीसी, उसके बाद है नीति आयोग. तो सबसे पहले कौन एस्टैब्लिश हुआ था, यूपीएससी कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था. उसके बाद हुआ था सीबीसी कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया और लास्ट में 15th में अल्टीमेटली जो आया था नीति आयोग. तो बी सी ए डी मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम. तो सर्विस एग्जामिनेशन को अच्छा करने के लिए, उसकी रिव्यू करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी. इनमें से कौन सा है, अशोक मेहता कमिटी, एल एन सिंह की कमिटी, शांताराम कमिटी एंड सतीश चंद्र कमिटी. सो सतीश चंद्र कमिटी इज द राइट आंसर क्योंकि उन्होंने ही सिविल सर्विस के बारे में बात की थी. ओके, और ये जो अशोक मेहता, एल एन सिंह, शांताराम कमिटी, ये सब पंचायत कमिटीज है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और एक कमिटी थी जो सिविल सर्विस के बारे में थी, वो थी होता कमिटी. वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बारे में बताई गई थी उस कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी. सो हर्ज़बर्ग कौन से थ्योरी के लिए फेमस थे, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, लीडरशिप या मोटिवेशन. उनका जो थ्योरी था वो मोटिवेशन, और मोटिवेशन में वो हाइजीनिक फैक्टर के ऊपर फोकस करके उनका थ्योरी. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच प्राइम मिनिस्टर pursued the foreign policy of existing non-reciprocal concessions to neighboring states. कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे भारत के जो वैदेशिक राष्ट्र के साथ नॉन रेसिप्रोकल एक तरफा जो रिलेशन है कॉन्सेशंस नेबरिंग स्टेट के साथ संपर्क रखने की बात की थी. आई के गुजरात या मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री. तो ये थे हिंदर कुमार गुजराल मतलब आई के गुजराल. ओके, जिन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन किया था 1992 में उन्होंने, पर क्योंकि इससे देखिए ये गुजराल डॉक्ट्रिन के साथ रिलेटेड है क्योंकि उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन में नॉन रेसिप्रोकल रिलेशंस की बात की थी फॉरेन नेबरिंग स्टेट के साथ. नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैचिंग है. एक तरफ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड उसके थ्योरी. फर्स्ट है पैट्रिक टेलर, उसके बाद है पीटर ड्रुकर, उसके बाद है चेस्टर बर्नर, उसके बाद है अब्राहम मास्लो. तो पैट्रिक टेलर का जो थ्योरी है वो क्या है, उसका है मेंटल रिवॉल्यूशन का. पीटर ड्रुकर का है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का. चेस्टर बर्नर है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अब्राहम मास्लो का है मोटिवेशन. सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड देयरफॉर हैड टू डीकोलोनाइज्ड फर्स्ट बिफोर इट कुड बी मेड मोर रिस्पॉन्सिव टू फ्रीडम.
हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस डे, कौन ये वक्तव्य किसका है, किसने कहा था कि मन को सबसे पहले डीकोलोनाइज्ड होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, कॉलोनी से मुक्त होना चाहिए, बिफोर इट बिफोर फ्रीडम, जब तक उनको कॉलोनाइजेशन से मुक्ति मिले उससे पहले उनको मन में के अपने आप में स्वाधीन होना पड़ेगा, किसका स्टेटमेंट था, अंबेडकर का, बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का या स्वामी विवेकानंद का? सो ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अपार्ट फ्रॉम द लो इनकम, थर्ड वर्ल्ड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ, सो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है, जो पीछे है, सो वो कंट्रीज, वो वहां पर तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो इनकम, और क्या क्या प्रॉब्लम वहां पर देखी जाती है? फर्स्ट इज सोशल इनइक्वालिटीज, क्या सामाजिक असमता देखी जाती है इन कंट्रीज में? नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो सुविधाएं है इकोनॉमिक प्रॉस्पर करने के लिए उनके पास ये है? नेक्स्ट, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, मानव दारिद्रता या इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, ये क्या देखी जाती है, या जेंडर इनइक्वालिटीज, कौन से करेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी, उसके बाद है ए सी डी, उसके बाद है बी डी एंड लास्ट में है बी सी डी। तो देखिए, सोशल इनइक्वालिटीज तो हमारे यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखी जाती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो सुविधाएं है वो बहुत कम है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी जो देखी जाती है इस देश में, और जेंडर इक्वलिटी, सो ये सारे चीजें देखी जाती है, मतलब ए सी डी, ऑप्शन बी जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का कौन कौन कंट्री मेंबर है? ओके, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जापान एंड साउथ कोरिया, उसके बाद है इंडिया एंड श्रीलंका, उसके बाद है थाईलैंड एंड म्यांमार, उसके बाद है चाइना एंड पाकिस्तान। करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर, ए एंड बी, ए एंड डी, बी एंड सी एंड सी एंड डी। सो सबसे पहले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जानना चाहिए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सो किस एरिया में है? तो यहाँ पर कौन से कंट्रीज है, इसके जो कंट्रीज है वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये इन सारे कंट्रीज जो ये बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल में जो है, क्या किया इसको डेवलप करने के लिए ये कमिटी बनाई गई, जिसके तो कौन से करेक्ट आंसर हुआ, इंडिया एंड श्रीलंका एंड चाइना एंड सॉरी थाईलैंड एंड म्यांमार। सो बी एंड सी, बी एंड सी हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज हैव एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन पॉलिसी प्लानिंग, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन जो इंस्टीट्यूशन पॉलिसी प्लानिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ओके, तो कौन से है, इंडिया में फर्स्ट है इंडियन सैटेलाइट स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कौन से हमारे प्लानिंग में हेल्प करते हैं? देखिए, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या हम कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में हम काम करते हैं। सो वहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में काम होता है, लेकिन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या करते हैं, कैक का जो काम है उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। वो क्या करता है, इकोनॉमिक कहाँ कर भेजना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कैसे हम इंडस्ट्रियल रिसर्च को आगे ले जाए इसके बारे में भी हम प्लानिंग में हेल्प करें। सो ए बी एंड डी, ये हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। सो मैंने आज 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में, आगे मैं ऐसे और वीडियोस लाऊंगी जहां पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं इस ईयर के उसको मैं टोटल सर्व कर दूंगी।
Okay, I hope you understand. So thank you. Keep on watching and keep on learning.